जी आज हम बनाने जा रहे हैं रू अफजा मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे। रू अफजा मैंगो कस्टर्ड बनने जा रहा है, यानी कि हमारा सीजनल फ्रूट भी इसमें ऐड होगा। बिल्कुल ओके। और इसकी जो रेसिपी है वो एक बड़ी ही छोटी सी रेसिपी है, इतनी कोई लंबी नहीं है। और बेसिकली जो रू अफजा की पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बेसिकली जो रू अफजा है वो बनता है फलों और फ्रूट्स के साथ। उसमें जैसे कि खीरे है, संतरा है, अनार है, गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां ये डाल के बड़ा अच्छा इसका अर्क निकलता है और ये हमारा लाल शरबत जो है रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि ये हर मौसम में इंजॉय किया जा सकता है, वो सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम हो। और खासकर रमजान की तो बिल्कुल सही सौगात है ये। तो साथ साथ इसकी रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं। तो रेसिपी बहुत ईजी है निभिया, इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या होगा, जरा हम खवातीन को बता देते हैं कि जो हमारी क्विक रेसिपी, इसके लिए आपको क्या क्या एक्चुअली चाहिए। अच्छा, इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना। जी मुसलसल बिल्कुल हिलाते रहना ताकि जो है कस्टर्ड जो है नीचे लगे। आप देखिए ये बिल्कुल शेप में आना इस वक्त स्टार्ट हो गया। हाँ जी, तो ये होगा इतनी देर में। तो अब हम क्या करते हैं, जो मैंने बनाकर पहले से ही थोड़ा सा फ्रीजर में रखा हुआ है निकालते हैं। उसको निकालते हैं, ये देखें नबिया, इसको हम जरा हल्की आंच पे कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमने इसकी गार्निशिंग कैसे की? ये अच्छा, बहुत जबरदस्त गार्निशिंग है। बेसिकली नीचे कस्टर्ड है, कस्टर्ड है, साथ ही बीच में उसके अंदर मैंगोज हैं और आलमंड्स, जैसे हमने